वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं आप सभी का हमारे इस मोहम्मदी ज्ञान हिंदी इस्लामिक चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद फैज और आप देख रहे हैं मोहम्मदी ज्ञान हिंदी इस्लामिक चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस मोहम्मदी ज्ञान हिंदी इस्लामिक चैनल को आप सभी के साथ की बहुत ज़रूरत है, तो इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए अल्लाह के प्यारों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। टीवी के पिस्तन को चूमना या चूसना कैसा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जायज़ है, ऑप्शन बी हराम है, ऑप्शन सी मना है, ऑप्शन डी मकरूह है। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जायज़ है। मर्द या औरत की शर्मगाह को मुंह में लेना कैसा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए निकाह टूट जाएगा, ऑप्शन बी हराम है, ऑप्शन सी जायज़ है, ऑप्शन डी मना है। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मना है। हैज पीरियड्स में हम बिस्तरी करना कब जायज़ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिन में, ऑप्शन बी मगरिब के बाद, ऑप्शन सी मजबूरी में, ऑप्शन डी हराम है। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। का सही जवाब है ऑप्शन डी हराम है। हम बिस्तरी करते वक्त अजान हो जाए तो क्या करें? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हम बिस्तरी रोक दें, ऑप्शन बी हम बिस्तरी ना रोकें, ऑप्शन सी खामोश हो जाए, ऑप्शन डी अजान का जवाब दें। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हम बिस्तरी रोक दें। औरत के पीछे के मकाम में हम बिस्तरी करना कब जायज़ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हैज की हालत में, ऑप्शन बी औरत राज़ी हो, ऑप्शन सी मजबूरी में, ऑप्शन डी हराम है। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन डी हराम है।